है गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी हूँ मैं चंडीगढ़ सेक्टर 31 में और शॉपिंग वगैरह हमने कर लिया। शॉपिंग करिए इसलिए क्योंकि कल हम जा रहे हैं अफ्रीका, और अफ्रीका में हम जा रहे हैं इथोपिया में, और वहाँ पे पहले मैं भी गया हूँ, पहले भी कई बार गया हूँ, पहले मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई है, तो इस बार मैं वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पे और आप सबको दिखाऊंगा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और हम वहाँ पे कल निकल रहे हैं, हम यहाँ से दिल्ली से कल फ्लाइट है हमारी, तो कल हम दिल्ली के लिए, दिल्ली एयरपोर्ट के लिए कल सुबह निकलेंगे हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और कल मिलते हैं आपको। क्या क्या हो गया? ये हमारी कोरोना की रिपोर्ट, ये टिकट, दिस पासपोर्ट और बैग पैक हो गया, चार्जर सब कुछ ले लेना, कुछ रहता तो नहीं? एकदम बढ़िया वो। ओके ओके, और जारी क्या ब्रो? कहाँ पे पहुँच गए हम? हम मुरतल पहुँच गए शिवा ढाबा पे, बस okay. जा रहे हैं सीधा एयरपोर्ट। कितना टाइम लगेगा? ओनली 1.5 आवर्स भाई, हमें 1.5 घंटा लगने वाला है। अब हम पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट पे। सो हे गाइस, हम एयरपोर्ट पे एंटर हो चुके हैं, और चेरी भाई ये देखो वैक्सीन के सर्टिफिकेट निकलवा रहे हैं हमारे, और उसके बाद हम एंटर होकर मिलते हैं। हमने लगेज भी उतार लिया है, सब कुछ काम हो गया है, भाई को भी भेज दिया, तो भाई हमारे को छोड़ के आया था, हो गया वैक्सीन निकल गया। और जब हम एंटर होकर मिलते हैं अंदर, और अंदर दिखाते हैं आपको कैसे हम क्या करते हैं, अंदर को दिखाएंगे। तो गाइस हम पहुँच गए हैं बोर्डिंग पास की लाइन में। कतर एयरलाइन की तरफ से हमें ये फॉर्म मिला है, ये फिल करके हमने इनको देना है, उसके बाद हम बोर्डिंग पास क्लियर करने के बाद हम आपको मिलते हैं इमिग्रेशन पे। हम एंटर हो चुके हैं ड्यूटी फ्री में, तो यहाँ पे परफ्यूम, चॉकलेट, वाइन किसी ने भी लेना हो तो यहाँ पे ड्यूटी फ्री मिलती है। To make your flight more comfortable. Thank you. So hey guys, हम प्लेन के अंदर एंटर हो चुके हैं, और जो चेरी भाई है उसको बैक साइड सीट मिली है, और मेरे को अलग मिली है सीट, क्योंकि हम बोर्डिंग पास के टाइम में भी अलग अलग थे, और मेरे को खुशी इस चीज़ की है कि मेरे को विंडो सीट मिली है। तो 15 या 20 मिनट में ये टेक ऑफ हो जाएगा, उसके बाद हम मिलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। सो गाइस, हम लेट भी हो चुके हैं, पर ड्यूटी फ्री जाना ज़रूरी है, इसलिए भागे भागे जा रहे हैं। ये देखो भाई कैसे भाग रहा है। इस टाइम हमें दोहा एयरपोर्ट पे, हम लेट हो चुके हैं, लेकिन हमें ड्यूटी फ्री से कुछ लेना है, लिकर लेना है, इसलिए जा रहे हैं। आई डोंट नो, हमारे साथ कोई इथोपिया जा रहा था, तो वो अकेले थे, जिनके साथ बेबी था, वो मतलब हम लेट हो गए थे, तो वो देखो चेरी ने क्या किया, उनकी बेबी को ले लिया है गोदी, उनकी हेल्प कर रहा है, और हम जा रहे हैं, ये हमारे साथ आ रहे हैं। Hi, सो भाइयों, ये वाला प्लेन उस प्लेन से बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें 3 रो है, और पहले वाली थी जो उसमें से 2 रो थी, और मेरे को पहले भी विंडो सीट मिली थी, अभी भी विंडो सीट मिली है, और चेरी भाई की सीट उधर वाली है, पर चेरी भाई को मैंने बोल के यहाँ बताया कि भाई इस बार मेरे साथ बैठ जाए, क्योंकि हमने लूडो खेलते हुए जाना है। और देखो भाई, ये प्लेन इतना बड़ा है कि यहाँ से देखो पूरा आपको व्यू कितना अच्छा दिख रहा होगा, और ये हमारी स्क्रीन टीवी, हमारे को इसमें मूवी वगैरह देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, मूवी टीवी ऑडियो सॉन्ग कुछ भी देख सकते हैं हम यहाँ पे। और लेट हो गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाकी बाकी आए थे, पसीना हो चुका है। चेरी भाई का हमने जैकेट उतार दिया, कैसा लग रहा है? कच्चा बनियान उतारने का मन कर रहा है। चेरी भाई का कच्चा बनियान उतारने का मन कर रहा है। और अब टाइम कितना हो चुका है? टाइम है 7:47 हो गया गाइस।
और कब तक पहुँचेंगे वहाँ पे? हम यहाँ से 4 घंटे की फ्लाइट है। 4 घंटे की फ्लाइट है भाई, लगातार आ रहे हैं चल के। तेरे भाई तो सो गया था पीछे ना, सो गया था ना? मैं तो जागा हुआ आ रहा था, बातें करता हुआ लोगों से। और अब 4 घंटे में पहुँच जाएंगे, अब मिलते हैं हम आपको एडिस अबाबा एयरपोर्ट पे। भाई पिकअप देखो, पिकअप क्या पिकअप है यार, अभी बिल्कुल स्लो था ये, कम से कम 1000 की स्पीड पे। चल तो वाली बातचीत, वाह यार क्या नज़ारा है बाहर का। ये हम दोहा से टेक ऑफ हो रहे हैं।